देहानत कुरान के मुतालिक और शरीयत इस्लामिया में मुदाखलत के बाद सबसे पहले आपकी पोस्ट देखने के बाद, आपका रद्दअमल देखने के बाद हम आपसे रुजू हुए हैं कि ये जो कोई मुस्लिम रिजवी है उसने जो है जो एहानत कुरान कुछ आयतों को हुज़्फ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, उसके मुतालिक आपके तासुरात जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई फिर आज मेरे पास, हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जागने वाले जो शेर है उसी के पास लपकते हैं हम लोग। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कल सुबह मैंने वीडियो देखा वसीम रिजवी की फजर की नमाज के बाद जी, तो मेरा खून खौल उठा। अच्छा, मतलब कमाल हो गया, ये कमीना जो कमजर्फ है जी, ये हमेशा मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में और सहाबा के बारे में उल्टा सीधा बकता रहता है। मुनाफिकत, मुनाफिकत क्या, ये खबीस है, खबीस की है। तो इसकी आदत बन चुकी है, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सुबह ही सुबह आर्टिकल बनाया और उसको वायरल कर दिया, काफी सोशल मीडिया वायरल देखा हो, समझे, सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया मैंने। और मैंने तो ये देखिए, कुरान जो है ना, अगर कोई हमारे माँ बाप को, जफर भाई इंसाफ देख लीजिए, कोई अगर हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चों को अगर गाली देगा, पड़ोस में भी होगा, तो हम आस्तीन चढ़ा के उससे लड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे बीवी बच्चों को हमारे माँ बाप को गाली। लेकिन जब कोई इस्लाम पे और कोई नबी पे और कोई कुरान पे और सहाबा पे हमला करेगा तो हम खामोश हो जाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सी मुसलमानियत है आपकी, आप कौन से मुसलमान हो? अब यहाँ भी देखिए, उलूल जुलूल आंदोलन करने वाले सोए हुए हैं। देखिए, मेरा ये की बोलना है, कुरान जो है ना, कुरान ऐसी चीज है कि अल्लाह के नबी से उतारा गया है, बेशक, और जिब्रील अमीन ने लेके आया है, बिल्कुल, आसमान से। और कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया है, ना कि मुसलमानों के लिए, कामिल है, पूरा पूरा मुकम्मल कुरान के अंदर कुरान है। अल्लाह ने पूरी जिंदगी इंसान के कैसे जीना है, कैसे दुनिया में रहना है, आपको पूरा उसके अंदर दिया है, ना खाली मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहां का रब है, हाँ, सबका उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया। तो अल्लाह ने कुरान इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए, तमाम इंसान, अभी जो उसको मानता है वो उस पर अमल करता है, जो नहीं मानता है उसकी मर्जी है, हम उसको फोर्सफुली नहीं कर सकते। कुरान करीम है, कुरान मजीद है, बिल्कुल, अभी आप पाक है। अभी आप देख लीजिए कि ये जो वसीम रिजवी जो है, हाँ, ये एक खबीस इंसान है, हाँ, ये क्या करता है, हमेशा मैंने देखा हूँ, हाँ, कि ये मुसलमानों के खिलाफ रहता है। अच्छा, और उल्टी, ये मुसलमान तो है ही नहीं पहले, ना ये शिया है, हाँ, ये खबीस है, समझ लो, ऐसा समझा जा सकता है, ये खबीस, बिल्कुल खबीस है ये। अच्छा, इसको कोई धर्म से मतलब नहीं है, हाँ, ना इसको देश से मतलब है, हाँ, ऐसे लोग देश के भी नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। ये मुफाद बर्पा करेंगे तो फिर ये जो देश के कहां से हो गए, ये खाली मुफाद परस्त है, मुफाद परस्त, ये मुफाद परस्त है, इनका मुफाद जहाँ होगा वहां झुक जाएंगे। ये पहले उधर था समाजवादी पार्टी में, अब उसको लगा समाजवादी पार्टी थोड़ी डिम हो गई है, तो ये भाग के बीजेपी में आ गया। अच्छा, तो ये दल बदलू लोग है, हाँ, और ये मुनाफिक बताया ना कि ये कमजर्फ है। अच्छा, अच्छा, अब इसके पहले भी आप देखोगे, इसने माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर इसने तोहमत लगाया, हाँ, जी, हमने बर्दाश्त किया जी, हाँ, जी, हमने बर्दाश्त किया उसको। उसके बाद में आप देखोगे एनपीआर और सीए के लिए, एनआरसी के लिए, जब औरतें, हमारी खवातीन, हमारी माँ बहने बैठी थी, उसके अंदर गैर मुस्लिम भी बैठे थे, खाली मुसलमान औरतें नहीं थी। अब उसने उस वक्त भी उस मुसलमान औरतों को, वीडियो है उसकी, उसने फाइशा और तवाइफ बताया था, नौजबिल्ला माजल्ला, हाँ, लेकिन मैंने उस वक्त भी, और एक न्यूज चैनल पे बैठ के उसने क्या बोला, औरतों को गाली दिया है बिल्कुल, लेकिन किसी ने उसका कुछ नहीं किया। उस वक्त भी जफर भाई मैंने आर्टिकल बनाया था। आप लोग क्या करने वाले हैं ये बताइए। हम तो कर रहे हैं साहब, हमने उस वक्त भी आर्टिकल बनाया था, आर्टिकल बना के मैंने लोगों से बोला कि इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, हाँ, और इसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे करके। अच्छा, लेकिन किसी ने, अच्छा, वो भोंका है तो आपने क्या उसके लिए क्या रद्दअमल हुआ? देखिए, अगर वो कुत्ता भोंकता है हम उसकी तरह नहीं भोंक देंगे। कुत्ते पकड़ने की गाड़ी है, अच्छा, गवर्नमेंट की छोड़ी हुई है, हाँ, वो कुत्ता कौन सा जंगली हो चुका है, उसको बराबर पकड़ के लेके जाते हैं। हमको आप कोर्ट में मूव हो गए, हाँ,
बहुत सी जमातें जमातें सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, अदालत में जाके उसका, मेरा यही बोलना था अदालत में जाइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए करके, ये कब तक हम ऐसे बर्दाश्त करेंगे, जो आ रहा है इस्लाम हमको गाली दो हमको बर्दाश्त करेंगे, हमारे सहाबा, और सहाबा के बारे में तुम बोल रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के खातिर और इस्लाम के लिए और दुनिया के इंसानों के लिए खपा दी, उनके बारे में तू बुरा बोला बोल रहा है। चलिए ठीक है, वो तो मफाद परस्त है, मुनाफिक है, लेकिन जो आपके मसीहाने मिल्लत है वो कहाँ है? वो तो सब अभी देख लीजिए क्या हालत है हमारी, मुमरा में कई आवाज उठी नाम नहाज मसाले, हमने जाके एफआईआर भी नहीं किया। तुम जो है मुस्लिम अक्सरियत ही है, अक्सरियत मुस्लिम की है बिल्कुल, जाके किसी ने भी उसके एफआईआर नहीं किया, उसके एफजी जलाना होता था, कोई रद्द अमल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मेरा एक ही बोलना है, बल्कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है हुआ क्या है, मेरा एक ही बोलना है, तुम आए दिन तो आंदोलन करते रहते हो, अननेसेसरी आंदोलन, और लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो, इजा पहुंचाते हो, बिल्कुल ये तो दीन के कान का था। हाँ, ये तो हमारे कुरान की बात है और अजवाज सहाबा की बात है जिनको जन्नत की बशारत मिली। हाँ, हाँ, ये वो सहाबा है समझे जिनको जन्नत अशराए मुबशरा में से है। अच्छा, और वो जन्नत के हकदार है उन लोग। हाँ, उनके बारे में आज हमको कोई भी कुछ बोलेगा और हमने खामोश कुछ वीडियोस में कुछ ग्रुप में मैं हूँ, वहां तो मुझे बोला गया ये वीडियो आगे मत भेजो, इसको डिलीट कर दो। हाँ, ये ऐसा है, इतने बुजदिल हो चुके हैं तुम। हाँ, हम इतने बुजदिल हो चुके हैं क्या? देखो गैर मुस्लिमों की, गैर मुस्लिम इतना खुलकर कभी नहीं बोलता है। इस्लाम को मुझे, मैं हमेशा ये बोलता हूं, इस्लाम को हमेशा अगर टेस्ट पूछिए तो मुसलमानों से पूछिए। आप देख लो पहले अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन सबा, उसके बाद में तुम्हारा तस्लीमा नसरीन, और फिर उसके बाद में तुम्हारा ये सलमान रश्दी, फिर ये तुम्हारा एक वो तारिक फतेह आया है। हाँ, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से कमीना आया है। हाँ, समझे, और एक अभी ये वसीम रिजवी। हाँ, ऐसे कितने हैं जो इस्लाम को जो थ्रेस ये थ्रेस बनाते, निशाना बना रहे, हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। हम उसके बाद हम गैर अगर बोल देगा तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारा आदमी, ये हमारा आदमी है ही नहीं। हाँ, इसको इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ना इनको इसको शियत से कुछ करने, ये तो खुद एक अभी गिरफ्त में आ चुका है सीबीआई के। हाँ, इसने वफ की, सिया वफ की बोर्ड की प्रॉपर्टी सस्तों में बेच के खा गया था। अच्छा, अच्छा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर। हाँ, समझे, ये वो शख्स है, ये इसने पिक्चर बनाया था एक उल्टी सीधी जिसमें माँ आयशा के बारे में गलत बताया। इसको बर्दाश्त करोगे आप, कोर्ट से जो भी होगा कोर्ट से इसके बारे में करना पड़ेगा, हमको बड़े वकील खड़ा करना पड़ेगा। कहाँ है हमारे मुसलमान वकील? मैंने तो मुसलमान वकील और गैर मुस्लिम वकील जो है उनको आवाज दिया हूं कि आप भी आइए इंसानियत के नाम पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे लीडरों से, जो मुस्लिम लीडर है और जो जो सेकुलर माइंडेड लीडर है, उनको पार्लियामेंट में भी आवाज उठाना चाहिए और असेंबली में भी आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल 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 आवाज उठाना चाहिए कि कब तक ये होता रहेगा। ये हमारे देश के लिए नुकसान है जफर भाई, हमारे देश के लिए नुकसान है। हम आज कुछ नहीं करेंगे, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि कम से कम डॉक्टर अजीमुद्दीन, उन्होंने मुझे, मैंने आर्टिकल पे उन्होंने मुझे सलाम किया कि बहुत अच्छा आपने लिखा करके, बहुत अच्छा हुआ। आज उन लोग ने जाके मीरा रोड में जाके उसकी कंप्लेंट डाल दिए करके एफआईआर रच के। अच्छा, और इतना बड़ा मुमरा है, कोई भारी नहीं आया। अच्छा, हाँ, मैंने मेरे दोस्तों को भी डाला हूँ, देखिए मकसद नहीं, साहब खाली यहाँ पैसा कमाना है। अच्छा अच्छा, नए पैसे वाले जो आए ना, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, उनको बाकी दीन से कोई मतलब नहीं। नौ दौलत ये कोई साहबा को नज़बिल्ला बुरा बोले या कुरान को बोले या हुजूर को बोले, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी वो अपने बस मस्ती में जी रहे करके। अच्छा, अब उनको ये पता नहीं कि जब अल्लाह की, अल्लाह का लाफा पड़ेगा। हाँ, तो क्या से क्या होगा तुम्हारा, वो नहीं मालूम उनको। दीन के खातिर भाई ये बोल रहा, मैंने लिखा था कि हमको एक होके हमको एफआईआर डालना चाहिए। कुछ पोस्ट तो मैंने देखा हुआ, लोगों ने इसको इतना, मुझे लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि नूर भाई आप जा, मैं जागता रहता हूं, मैं हमेशा लिखता रहता हूँ। क्यों? क्या मुझे मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है? फॉरन में उसका भाई खड़े हो जाता हूँ। नूर भाई, नूर भाई, आप भी तो एक अरीजा जो है ना मुमरा पुलिस स्टेशन में दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जज्बात जो है मजरूह हुए हैं। देखिए क्या है, उनमें कुछ ग्रुप बन के जाता है जी, समझा? यानी इंफिरादी तौर पे अलग, इंफिरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे अलग, उसकी तासीर अलग। अभी क्या होता है कि जब भी प्रेशर आता है जी, हर डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आता है जी, अब हमको इसको प्रेशर बनाना चाहिए। अच्छा, कि भाई हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे करके। हाँ, हमें कोई भी गाली दे देवे, हमारे को कोई मतलब नहीं। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, हमारे जज्बात से खेलते रहोगे। हाँ, और हमेशा आप खेलते रहोगे। बिल्कुल, हम इतने बुजदिल हो चुके जी, आज भी 313 वाले हैं। हाँ,
हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते साहब, बिल्कुल इस्लाम इसके खिलाफ है, इस्लाम पीस एंड हार्मनी सिखा रहा है, लेकिन तुम अगर उठ उठ के लाफा मारोगे और उठ के गाली बकोगे कहां तक आदमी बर्दाश्त करेगा साहब, कहां तक बर्दाश्त। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क में हमने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी एतराज पेश किया है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद शिया जमात ने भी जो है लखनऊ में जो है जुलूस वगैरह निकाला उसके खिलाफ। मुमरा में भी तो एक बड़ी जमात है शियों शियत की, शिया जमात, उनको बाहर आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए उन लोगों को भी। शियाओं को मैं सलाम करता हूँ जो लखनऊ के अंदर और इधर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने एहतजाज किया, मोइन मियां ने उधर बंबई में किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वो बिल्कुल होना चाहिए। देखिए तो हमारे यहाँ पर जो मुमरा में मैं देख रहा हूँ मुमरा में कभी कुछ नहीं होता है, हाँ पॉलिटिकली जब कुछ होगा ना तो नंगा नाचने को खड़े हो जाएंगे, मलाला का हलाला कर देंगे, वो सब करेंगे, लेकिन जब जब सहाबा पे आए, हाँ सहाबा को एक आदमी झूठा बोल रहा है नज़बिल्ला माजल्ला और झूठ बांध रहा है उनपे, हाँ दिस इज अ स्लैंडर ऑन द सहाबा, और हम खामोश बैठे, नहीं जाने दो, कब तक जाने दोगे यार, कब तक जाने दोगे। कुछ लोग दुबई में बैठे हैं, कुछ सऊदी में बैठे हैं, कोई लंदन में बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं ना ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा यही बोलकर डिफेंस करो डिफेंस में, अरे कब तक डिफेंस करोगे यार, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, मौत तो आने वाली, तुमको रहने वाले हो क्या, तो कब तक डिफेंस करोगे, मतलब हमारे को कोई भी आके चढ़ के कुछ भी बोल के जाएगा हम बर्दाश्त कर ले, एक्सट्रीमली रॉन्ग। मैं लोगों से कहता हूं क्या कुछ नहीं करना है, कानून से करना है, उसको गाली नहीं देना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे मारामारी नहीं करना है जी। अभी भी हमारे मुल्क का कानून जिंदा है जी। हमारे मुल्क का कानून जो सुप्रीम जो कानून है और फिर उसके ऊपर सुप्रीम जो अल्लाह बैठा है, अल्लाह उसे बदला लेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसे बदला लेगा उससे कि उसने आज तक जितना मुसलमानों को गाली दिया है अल्लाह एक साथ में निकाल लेगा इंशाल्लाह, आप देख लेना इसकी हालत क्या होगी, वो गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का होगा। क्यों किसके धर्म पे आते हो आप, क्यों धर्म पे आते हो, आवाम को क्या। मैं पहले तो हुकूमत से ये बोलना चाहूंगा कि आपको ब्लैस्फेमी के ऊपर कानून बनाना चाहिए, अगर किसी भी मजहब का इंसान अगर किसी के मजहब को बुरा बोलता है उसके ऊपर जबरदस्त केस बनना चाहिए और उसको जेल में जाना चाहिए। ये जो अपने एजेंसीज हैं वो जो ना सोमोटो जो है ना उसके जरिए से भी जो है ना उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। साहब आप दूसरे कामों के लिए तो अपना ऑर्डिनेंस पास करके तो कर लेते हो, इसके ऊपर क्यों नहीं, किसी के भी धर्म में बोलने का किसी को हक नहीं होना चाहिए, सरकार का पालतू है ना, सारे सरकार को सोचना चाहिए कि तुमको भी डैमेज कर रहा है ना, तुमको भी तो डैमेज कर रहा है, तुमने कहा सबका साथ सबका विकास, और ये कौन सा है भाई, इसको सरकार ने बीजेपी ने बोलना होता था कि क्या तुमने लगा के रखा है, बिल्कुल अच्छा तेरे पास क्या प्रूफ है बता ना, तेरे पास क्या प्रूफ है, और तुम बोल रहा है, तू बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि इस्लाम जो है नज़बिल्ला माज़ल्ला आयतों से टेररिज्म फैलता है, बैठ सामने हमारे उलमाओं के सामने बैठ, नहीं बजायर तो वो टेररिस्ट बनता जा रहा है क्योंकि लोगों के जज्बात से खेल रहा है, मतलब कि खुद टेररिस्ट है, अब एक फसाद के, तू फसाद कराने की सोच रहा है, सुन्नियों के बीच में खलील पैदा हो जाएगी ना, हम चाह रहे शिया सुन्नी दोनों मिल, नहीं शिया ने तो खुला बोला ये हमारा आदमी नहीं है करके, इसको रिजवी मत बोलो, ये खबीस है, ये मर्दूद है, मर्दूद है ये, समझे, ये शैतान इबलीस है ये, तो इसके साथ में देखो हम तो इसके मुंह लगते भी नहीं ना उसकी सूरत देखना चाहते, जो ऐसा खबीस आदमी है उसकी क्या शरक शक्ल देखेंगे सब, जो देश को तोड़ने की बात करता है, हम चाहते हैं देश में अखंडा, हमारा देश एक होना चाहिए करके, हमारे देश के सामने कोई बड़ी तकलीफ आएगी हम खड़े होना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है मैं समझता हूं हुकूमत ने ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे जो जंगली आवारा कुत्ते घूमते हैं तो तुम गाड़ी में पकड़ के लेके आके क्या करते हो उसका हाल, हाँ ये नक्शे अमन का खतरा है ना, खतरा है, बिल्कुल खतरा है, और हर चार महीने में तीन महीने में उठ के कुछ ना कुछ बकता रहता है करके, कुछ ना कुछ बकता रहता है करके, तो हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, हम बर्दाश्त, बट दिस इज नॉट गुड। मैं हुकूमत से भी कहूंगा, सेंट्रल से भी कहूंगा, स्टेट से भी कहूंगा कि भाई ऐसे जो जंगली आवारा लोग हैं इनको जेलों में डालो, ताकि हमारा मुल्क अमन के साथ में जिंदगी गुजारे, हमारे मुल्क में खुशहाली आवे, वरना ऐसे लोगों के लिए फसाद के चांस हो जाते हैं। और लोगों से मैं कहूंगा इसको बुरा, इसको गाली नहीं देना है, इसके साथ में झगड़ा मारामारी नहीं, कोर्ट में, कागजी कोर्ट में, वी शुड फाइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हमारा कानून अभी भी जिंदा है, ऐसे लोगों को कानून सबक सिखा देगा, हम सब मिलके जाके, और एक एहतजाज होना चाहिए, प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए साहब, क्या हुकूमत को भी लगे, कोरोना है ना सर,
नहीं हम देखो हम डिस्टेंस रख के कर कागज पे तो एहतजाज करो ना, सोशल मीडिया पे हो सकता है, 20 आदमी 25 आदमी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर दो, आप सबके सिग्नेचर ले लो और एफआईआर कर दो तमाम मसलक के लोग। मैं उमरा के भी लोगों को कहता हूँ जब मेहरबानी करके एफआईआर कीजिए, मैं भी आने को तैयार हूँ आपके साथ में, लेकिन एक जब हम एक एक साथ में मिलके जाएंगे तो वहां प्रेशर बनता है और आपकी एफआईआर जल्दी लॉन्च हो जाएगी करके, समझे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि हाथ जोड़ के, अगर हमारे हमने हम किसी को बुरा नहीं बोलते, क्यों हमारे पर हमेशा बुरा बोला जाता है करके, तो मैं हाथ जोड़ के हुकूमत से कहता हूँ और मैं आज फिर कहता हूँ लीडरों से और मैं उनसे कहता हूँ मुस्लिम एडवोकेट से, बाहर आइए वरना अल्लाह के घर में आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे जवाब देना पड़ेगा तो मैं अपनी ये आर्टिकल लिख के डाल देता हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा, मुस्लिम लीडरों को भी जवाब देना पड़ेगा और जो सेक्युलर माइंड है उनको भी जवाब देना पड़ेगा। आप सब इसको पार्लियामेंट में भी आवाज उठाइए और असेंबली में भी आवाज उठाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।